देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक आपके पास उस कंपनी से किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं आया है, कोई ईमेल नहीं आया है, कोई कॉल नहीं आया है। तो इस केस में आप फॉलो अप कैसे करेंगे, ये जानने के लिए कि आपके जॉब एप्लीकेशन का क्या हुआ, आपके द्वारा भेजे गए रिज्यूमे का क्या हुआ, आइए देखते हैं पूरा वीडियो और प्रैक्टिकली सीखते हैं। दोस्तों ईमेल में जहां पर रेसिपिएंट लिखा हुआ है वहां पर आप मेंशन करेंगे उस व्यक्ति का ईमेल आईडी जिसे आप ईमेल लिख रहे हैं। उसके बाद एक नज़र डालते हैं सब्जेक्ट पर। ईमेल के सब्जेक्ट पे आपने लिखा हुआ है फॉलो अप ऑन जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब यहाँ पर कैंडिडेट कह रहा है कि वो एक फॉलो अप ईमेल लिख रहा है क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उसके पास में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इस तरीके से आप ईमेल में सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। ईमेल में आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है डियर सर। डियर सर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं वो एक मेल है। अगर वो एक फीमेल होती तो आप लिखते डियर मैम। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ईमेल रिसीव करने वाला मेल है या फीमेल, तो आप डियर सर ऑब्लिक मैम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ये एक फॉर्मल तरीका माना जाता है, अगर आप ईमेल लिख रहे हैं किसी को, एक फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं, तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं अपने ईमेल में। दोस्तों ईमेल में देखिए आगे लिखा हुआ है आई एम राइटिंग टू यू रिगार्डिंग माय जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, यहां पर आप लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन योर कंपनी दैट आई हैड सेंड टू यू ऑन 5th of December 2022। यहां पर आप बहुत क्लियरली लिख रहे हैं कि आपका ईमेल इस संदर्भ में है कि आपने 5th of December को सॉफ्टवेयर पोजीशन के लिए अपना जॉब एप्लीकेशन भेजा था। आगे देखिए लिखा हुआ है सिंस आई हैवन्ट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम कंपनीज एंड ऑन माय कैंडिडेचर सो आई एम फॉलोइंग अप विद दिस ईमेल। आपने यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया क्योंकि आपके पास कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है आपके कैंडिडेचर पे, इसलिए आप ये फॉलो अप ईमेल लिख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ईमेल में आप बहुत क्लियरली अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन कर सकते हैं कि आप किस वजह से ईमेल लिख रहे हैं। ईमेल में आगे देखिए लिखा हुआ है आई होप यू विल कंसीडर माई जॉब एप्लीकेशन एंड प्रोसीड विथ फर्दर प्रोसेस। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है, आपको आशा है कि आप मेरे जॉब एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे और फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन केस एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कि आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर मेरे संदर्भ में आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो या मेरे कैंडिडेचर के बारे में आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, अपना नाम मेंशन कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दे रखा है जो कि इंटरव्यू की कॉल से रिगार्डिंग है। आप उन वीडियोस को देखकर जॉब सर्च से रिलेटेड अपने बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।